आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है। 20 साल पहले सरहद पर भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए घुसपैठियों को कारगिल की पहाड़ियों से वापस खदेड़ा था। हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान पर फतह हासिल की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरा होने पर द्रास में कारगिल के शहीदों को नमन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर के द्रास में कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरा होने पर आम लोगों से लेकर सेना के जवानों तक हर कोई शहीदों को सलाम कर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने सदन की अध्यक्षता कर रही बीजेपी सांसद रमा देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आजम खान की टिप्पणी पर रमा देवी का कहना है कि आजम खान ने कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की, उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऑटो सेक्टर में मंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि ऑटो सेक्टर के 10 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा है, यहां काम कर रहे लोगों को अपनी रोजी रोटी के नए ठिकाने ढूंढने पड़ेंगे। कर्नाटक में एच डी कुमार स्वामी की सरकार गिर जाने के बाद बीजेपी नेता येदुरप्पा होंगे नए सीएम। येदुरप्पा शाम 6 बजे पद की शपथ लेंगे, इससे पहले सुबह उन्होंने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। आरटीआई कानून में संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए लाए गए विपक्ष के सदस्यों का प्रस्ताव गिर गया। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के पक्ष में सिर्फ 75 वोट पड़े, जबकि विरोध में 117 वोट पड़े। संसद में तीन तलाक बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लोकसभा में बिल पास हो गया है तो दूसरी तरफ तीन तलाक के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गुजरात का है, जहां एक शख्स ने साइकिल रिक्शा खरीदने के लिए ससुराल से 40,000 रुपए नहीं मिलने पर पत्नी को तलाक दे दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 22 जुलाई को लॉन्च के बाद इसे पृथ्वी से कम दूरी 170 किलोमीटर और पृथ्वी से ज्यादा दूरी 45,475 किलोमीटर पर स्थापित किया गया। इसकी कक्षा में 25 और 26 जुलाई की रात 1:08 पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन लोगों को राहत मिली है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को फिर पेट्रोल के भाव में कटौती की, लेकिन डीजल के दाम स्थिर हैं।